बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे दिन शाहरान फारस में सुबह सुबह उठने के बाद प्लान पर पूरी तरह से अमल हुआ। अजीज़ हैदर साहब और राव आबिद निसार साहब ने बाद अस फजर बेदार होकर सबको उठाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सुबह सुबह ताज़ा सूरज की किरणों के साथ ठंडी ठंडी हवा, नरम घास पर शबनम के कतरे, सयाहों के लिए एक मुनफरिद नज़ारा था। सतह समंदर से 7872 फीट बुलंद होने की वजह से यहाँ रातें सर्द होती हैं, इसीलिए सुबह के वक्त भी सर्दी बरकरार थी। सुहाने मौसम, खूबसूरत नज़ारों और पुरसकून जगह होने के बाइस सयाहों का इतनी जल्दी वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था, मगर वापस जाना भी ज़रूरी था। ना चाहते हुए भी सब ने अपना सामान वापस जीपों में लोड किया और बल खाते हुए रास्तों से होते हुए नीचे पारस और पारस से केवाई आ गए। एहसानिया होटल केवाई में नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था। सब दोस्तों ने केवाई आबशार के ठंडे पानी में लगी चारपाइयों पर बैठकर नाश्ता किया। खाने के साथ साथ चारपाइयों के नीचे से जारी आबशार का पानी इस नाश्ते को दीगर रूटीन में किए जाने वाले नाश्तों से मुनफरिद बना रहा था। हमारा अगला प्लान खानपुर डैम जाने का है, इसीलिए बिला ताखीर नाश्ता समेट कर फौरी कोस्टर्स में सवार हो जाते हैं और आधे पौने घंटे की मुसाफत के बाद बालाकोट पहुंच जाते हैं। कुछ दोस्त बालाकोट से ड्राई फ्रूट की ख़रीदारी करते हैं और फिर सीधा खानपुर डैम पहुंच जाते हैं। आखिरी दिन जाते जाते खानपुर का एडवेंचर भी काफ़ी मज़ेदार रहता है। कुछ लोग क्लिफ डाइविंग के लिए कश्ती में बैठकर रवाना हो जाते हैं और बाकी दोस्त सबसे पहले जेट स्काई को तरजीह देते हैं। यह के बाद दीगरे तमाम दोस्त जेट स्काई में बैठकर खानपुर के नीले पानी में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद दोबारा वीडियो बनाने की गर्ज से अमजद साहब और मैं शुमाइल राणा दोबारा अपनी जेट स्काई में बैठकर डैम के दरमियान से नज़ारों की अक्सबंदी करते हैं। जेट स्काई के बाद भी जब दिल नहीं भरता तो एक बार फिर डैम का चक्कर लगाने के लिए एक और नाव बुक करवाई जाती है और क्लिफ डाइविंग के मकाम तक जाने के लिए सब इसमें सवार हो जाते हैं। ऑटोमेटिक चलने वाली नाव डैम के पानी में काफ़ी दूर जाती है, जहाँ से मारगला के पहाड़ों का नज़ारा दीदनी होता है। सयाह कभी चलती कश्ती में पानी को हाथ लगाते हैं, कभी तस्वीर और कभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कभी इन खूबसूरत लम्हात से भरपूर लुत्फानंदोज़ होने के लिए रक्स करते हैं। दो दोस्त कश्ती में लगी सीटों पर बैठने के बजाय कश्ती की पुश्त पर बनी जगह पर बैठकर डैम का नज़ारा लेने को तरजीह देते हैं। तकरीबन आधा घंटा पानी में तैरने के बाद हमारी कश्ती क्लिफ डाइविंग के मकाम तक पहुँच जाती है, जहाँ पहले से मौजूद रेड एक्सप्लोरर ऊंची लहलानों से नीचे पानी में छलांगे और गोते लगाकर लुत्फानंदोज़ हो रहे होते हैं। ये दोस्त एक घंटा तैराकी और मुहिम जोई के बाद अपने जज्बात बयान करते हैं। गाइस, अभी हम लोगों ने खानपुर डैम में डाइविंग की है और खानपुर डैम में और हमें बहुत मज़ा आया है। इट वॉज़ अराउंड 20 feet हाई और बहुत बहुत अमेजिंग फन था, एडवेंचर भी था और हम सारे ग्रुप ने बहुत एंजॉय किया। एंड थैंक्स टू रेड सिग्नल फॉर अरेंजिंग सच एन अमेजिंग एक्टिविटी फॉर अस। आई होप फ्यूचर में भी इस तरह की हमें एक्टिविटीज मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करें ट्विटर पाकिस्तान को, सब्सक्राइब करें ट्विटर पाकिस्तान को और इनकी अब यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये लोग कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। दे आर द अमेजिंग ऑर्गेनाइजर्स गाइस। इसके बाद फौरी अपनी अपनी कश्तियों में बैठकर वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते जाते खानपुर डैम में पैरासीलिंग करते हुए लोग भी नीले पानी के ऊपर उड़ रहे होते हैं, जिनकी डोर कश्ती के साथ बंधी होती है। ये खानपुर डैम में होने वाला यादगार और दिलफरेब और मुनफरिद एडवेंचर है। कुछ ही देर में हम वापस अपने मकाम तक पहुंच जाते हैं, जहां से हमने बोटिंग शुरू की थी। रात के खाने के लिए काबली पुलाव की फरमाइश की गई थी, जिसे पूरा करने के लिए हमारी गाड़ियाँ पिशावर से पिंडी जीटी रोड पर तरनोल फाटक से कबल यूनस होटल पर रुकती हैं। यूनस होटल के मालिक रियाज यार बाद साहब ने
बड़ी खुश मिजाजी से हमारा इस्तकबाल किया और अपने रेस्टोरेंट का मज़ेदार काबली पुलाव पेश किया। ठीक है खाना? जहां काबली सीटिंग के साथ काबली पुलाव नोश किया जाता है। तमाम दोस्त खाने के जायका और मेयार को पसंद करते हैं। खाने के बाद दोबारा अपनी गाड़ियों में बैठकर लाहौर की तरफ रवाना हो जाते हैं और हमारे 3 दिन के नूरी टॉप, शाहरान फॉरेस्ट और खानपुर डैम के टूर के इख्तिताम पर दोस्तों ने अपने सफ़र के बारे में तासुरात भी बयान किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग अभी विजिट करके आए हैं 3 दिन का ट्रिप, जो कि हम लोग शाहरान फॉरेस्ट और नारान गए थे और यकीन माने कि टोटल पाकिस्तान के साथ हमें बहुत मज़ा आया। इनके साथ ऐसा फील हुआ कि जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ही गए हैं। हर चीज़ बहुत अमेजिंग थी, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त थी और आई विल रिकमेंड यू गाइस टू गो विद टोटल पाकिस्तान। हमने रिसेंटली टोटल पाकिस्तान के साथ ट्रैवल किया है, हर चीज़ बहुत अमेजिंग थी। जहाँ पे हमने स्टे किया वो जगह बहुत अच्छी थी, खाना मज़ेदार था, हर चीज़ परफेक्ट थी। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। My name is Umesh Rana aur yes Umesh bhai, hell of fun with on my trip with Twitter Pakistan aur itna maza aaya ke I think ke main ab agla jo pura hafta hai wo main rest karunga. Ye khaas taur pe jo hai jeep track jo hai bahut pasand aaya, dono jeep track khatarnak the. Pehli baar is tarah ka jo hai amazing track dekha tha aur नूरी टॉप का जो ट्रैक था वो अमेजिंग ट्रैक, बहुत अच्छा टूर था और मैंने साथ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। रहने की जगह बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था और अच्छे बड़े स्मूथ तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं और बड़े अच्छे गाइड हैं। सब्सक्राइब करें और ये लोग जो हैं बड़े इंफॉर्मेटिव इनकी वीडियोज़ होती हैं, ज़रूर देखें। थम्स अप टोटल पाकिस्तान। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद टोटल पाकिस्तान सर्विसेज एंड देयर स्टाफ स्पेशली, दे आर वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, थैंक यू। फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला, स्नैक्स का अरेंजमेंट था, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हमें नहीं मिली। और टोटल पाकिस्तान के साथ हमारा टूर हुआ जो कि बहुत अच्छा रहा। इनका जो स्टाफ है वो ऐसे ही था जैसे हमारे फ्रेंड थे, हमें ऐसे गाइड किया, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जो होटल्स थे वो भी बहुत कम्फर्टेबल थे, खाना एंड ईट एंड एवरीथिंग वॉज गुड। द ट्रिप वॉज अमेजिंग, जो मैनेजमेंट थी वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी और उनकी बुकिंग्स वगैरह काफ़ी टाइमली और काफ़ी एक्टिव जो है मैनेजमेंट थी, तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप। रियली अमेजिंग, मतलब सब लोगों को शायद मैंने ज़्यादा तंग किया होगा कि ये चीज़ ऐसी हो जाए वो चीज़ ऐसी हो जाए, बट द स्टाफ वॉज रियली नाइस, वो हर बात मानते थे, वो टाइम पे सब कुछ कर देते थे और दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड व्हाट एवर वी हैव आस्क्ड दे हैव गिवन अस, सो आई एम रियली सैटिस्फाइड। Trip is just about to complete. We really had a great fun over there and especially the staff is so cooperative and their experience actually they have so many contacts, so that's why we really enjoyed the company. अगर आप भी ट्रोटर पाकिस्तान के साथ शुमाली इलाका जात नारान सवाद या गुमराह घूमना चाहते हैं और अपना